नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव और आज हम देख रहे हैं फॉक्सवैगन टाइगून जीटी प्लस स्पोर्ट्स। ये 1.5 लीटर के अंदर है, आज ही शोरूम्स पर गाड़ी अवेलेबल हुई है, रिसेंटली लॉन्च हुई थी, अभी इसकी केक कटिंग वगैरह हुई है। ये गाड़ी अपडेट होकर आई है, टाइगून जीटी प्लस स्पोर्ट्स 1.5 लीटर में डीएसजी है। 19,73,900 एक्स शोरूम प्राइस आते हैं इसके, हरियाणा फरीदाबाद के अंदर, बाकी स्टेट वाइज प्राइस वेरी करते हैं कौन सी स्टेट से आप बिलोंग करते हो। ऑल ब्लैक कार है, काफी अपडेशन की गई है इस गाड़ी के अंदर, 1 लीटर के अंदर भी है, 1 लीटर की वीडियो भी आएगी, बट पहले 1.5 लीटर देख रहे हैं हम। इसके अंदर क्या क्या अपडेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले बता दूं, पहले भी मैं ये चीज बता चुका हूं, ग्लोबल एंड कैप पे 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग अचीव करे हुए हैं इस गाड़ी ने क्रैश टेस्ट के अंदर। मिड साइज एसयूवी सेगमेंट की गाड़ी है ये, यहाँ ब्लैक कलर में आप इसे देख रहे हो। फ्रंट पे आ जाते हैं गाड़ी के, तो यहाँ मैनुअल वाइपर्स दिए हुए हैं विद टू वॉशर, सनरूफ मिल जाता है, आई लव जीटी इन्होंने मेंशन लगाया हुआ है शोरूम वालों ने। ब्लैक रूफ रेल्स है, इसके अंदर ही आपको ब्लैक मिलेंगे, यहीं से अपडेशन और चेंज फर्क स्टार्ट हो जाते हैं। पहले सिल्वर मिलते थे, बट जो जीटी प्लस स्पोर्ट्स आएगा उसमें आपको ब्लैक मिलेंगे। इस तरह से बोनट भी आएगा, ऑल ब्लैक ग्रिल मिलेगी, रेडिएटर पूरा ब्लैक कर दिया है और बीच में फॉक्सवैगन का लोगो रेड कलर में, जीटी की बैजिंग मिलेगी, ये भी अपडेशन है जीटी वेरियंट के अंदर। लोअर ग्रिल मैट ब्लैक में दी हुई है, नीचे भी ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट दिया हुआ है। हाइलोजन बेस हेडलैम्प यूनिट मिलेगी, एलईडी बेस इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प यूनिट दी हुई है लो बीम हाई बीम के लिए। इंडिकेटर डीआरएल दोनों चीजें अलग है, ऑटो हेडलैम्प फीचर इसमें में दिया गया है। गाड़ी आप लोगों के सामने है जीटी प्लस स्पोर्ट्स। अब बात कर लेते हैं साइड प्रोफाइल पर जाते हैं, पूरी गाड़ी अपडेट की गई है, काफी चीजें हैं। जैसा आप यहां देखोगे ऑल ब्लैक अलॉय कर दिए गए हैं, साइड प्रोफाइल से पूरे ब्लैक अलॉय कर दिए गए हैं। फेंडर पे जीटी की बैजिंग मिलेगी, ये भी ब्लैक और रेड में मिलेगी दोनों तरफ, ये भी अपडेशन है। ब्लैक अलॉयज ये भी अपडेशन है। गियर की जो डिस्क कैलिबर है ये रेड मिलेंगे आपको जीटी प्लस स्पोर्ट्स के अंदर। टायर साइज 205/55/17 का है, बीच में फॉक्सवैगन का लोगो। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम मिलेंगे, रिएक्टेबल इसलिए नहीं बोल रहा मैं क्योंकि ये गाड़ी लॉक करोगे तो फोल्ड होंगे, अनलॉक करोगे तो अनफोल्ड होंगे। ऑटो ओआरवीएम मिलते हैं विद इंडिकेटर। ए पिलर बॉडी कलर है, बीसी ब्लैक दिए हुए हैं, बॉडी कलर डोर हैंडल्स है, क्लैडिंग सराउंडिंग मिलेगी, फेंडर्स पे भी है, गाड़ी के साइड प्रोफाइल पे, लोअर डोर्स पे भी और रनिंग बोर्ड पे भी। रिक्वेस्ट सेंसर ड्राइवर को ड्राइवर साइड मिलेगा, स्मोकी गार्निश दिया हुआ है बॉडी कलर डोर हैंडल्स के साथ, और रिक्वेस्ट सेंसर है ड्राइवर को ड्राइवर साइड। ब्लैक रूफ रेल्स हो चुके हैं इसके, पूरे ब्लैक रूफ रेल्स मिलेंगे, पहले सिल्वर मिला करते थे जैसे वहां खड़ी हुई है, यहां में ब्लैक मिलेंगे जीटी स्पोर्ट्स के अंदर। रियर ड्रम ब्रेक्स हैं, फ्रंट डिस्क है, गाड़ी अनलॉक है तो ये प्रेस करने पे फ्यूल लाइट आपका ओपन हो जाएगा। आ जाते हैं रियर लुक पे, तो यहाँ पे आपको कनेक्टेड टेल लैंप्स मिलेंगे, वहाँ इंडिकेटर है, बीच में स्टॉप लैंप है, रिवर्स लाइट, जीटी की बैजिंग रेड कलर में मिलेगी, टाइगून ब्लैक मिलेगा यहाँ पे, दो रिफ्लेक्टर हैं, सेंसर्स भी ब्लैक करे गए और रियर बम्पर पे ब्लैक बीडिंग, और नीचे भी पूरा ही सिल्वर ट्रीटमेंट कुछ नहीं है, ब्लैक कर दिया गया है पूरा। रिवर्स कैमरा यहाँ पे है, फॉक्सवैगन का लोगो, रियर वाइपर, डिफॉगर, हाइमाउंट स्टॉप लैंप, स्पॉइलर दिया हुआ है, और देखो ब्लैक के ना, देखो सेंसर भी ब्लैक किए गए हैं, जो रिवर्स सेंसर है वो भी ब्लैक करे गए, ये खास तौर पे ध्यान गया दिया गया, ये भी थोड़ा ब्लैक हो जाते तो और अच्छा लगता। ये स्ट्रिप्स इन्होंने गार्निश में सिल्वर ही छोड़ दी। को ड्राइवर साइड भी रिक्वेस्ट सेंसर है, जैसे बताया था जीटी की बैजिंग भी यहां मिलेगी। ये तो हो चुका पूरा एक्सटीरियर, अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। तो ये तो हो चुका पूरा एक्सटीरियर, अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ, बाकी गाड़ी का साइड प्रोफाइल भी देख लो आप। इंटीरियर में चले इस पहले की दिखा दूं, कुछ इस तरह की है, की में कोई अपडेशन नहीं है, वही की है फ्लिप की, हालांकि इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है बट इमरजेंसी के लिए फ्लिप की जाती है, लॉक अनलॉक ये पुटकेट अनलॉक करने के लिए, दोनों में सेंटर लॉकिंग बटन से मिलेंगे। अब जैसे बता दूं मैं, ऑटो ओआरबीएम्स मिल जाते हैं, लॉक करोगे यहाँ पे आपके ओआरबीएम्स फोल्ड हो जाएंगे, वहीं गाड़ी हम अनलॉक करेंगे तो ओआरबीएम्स आपके अनफोल्ड हो जाएंगे, ठीक है। बूट गेट सिर्फ आपका अनलॉक होता है यहाँ से, ये बूट गेट अनलॉक हो चुका आपका, जैसे गाड़ी लॉक है, ठीक है, ओआरबीएम फोल्ड हो चुके। अब हम यहाँ पे प्रेस करेंगे, इसे प्रेस करना होगा, यहाँ पे टेल गेट आपका अनलॉक हो चुका, गाड़ी लॉक है, पूरी गाड़ी आप देखोगे लॉक है, बस टेल गेट अनलॉक हुआ है, बूट स्पेस ये खुल गया, इलेक्ट्रिकली बटन दिया हुआ है इसमें, कुछ इस तरह से बूट स्पेस मिल जाता है। 300 समथिंग लीटर का है, मैं मेंशन कर दूंगा डिस्प्ले पे। यहाँ लाइट दी हुई है, बैलून इस वजह से है कि गाड़ी आज ही लॉन्च हुई है। यहाँ स्पेयर व्हील मिल जाएगा आपको, और स्पेयर व्हील आपका स्टील रिम है, और टूल्स भी इसके अंदर
दिए हुए हैं, तो इसे खींच के आप यहाँ इसे बंद कर सकते हो। अब देखो जैसे बंद कर दिया, गाड़ी लॉक थी, बूट गेट भी अब बंद हो चुका, मैं इसे बटन करूँगा। अरे ये तो गाड़ी अनलॉक हो गई शायद, तो यहाँ गाड़ी वापस से लॉक नहीं हुई, हमें लॉक करना होगा। अब आपका ये होगा, मतलब ये है कि सिर्फ बूट गेट ही खुलेगा। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, तो ये अब गाड़ी को पूरा ही अनलॉक कर लेते हैं। यहाँ अनलॉक खोलते ही ORBM आपका अनफोल्ड हो जाएंगे, रिक्वेस्ट सेंसर है ड्राइवर साइड। पहले हम पैसेंजर सीट ही चलते हैं, जब बूट स्पेस से स्टार्ट किया है तो यहाँ पे ब्लैक पेस पूरा इंटीरियर दिया गया है, रेड स्टिचेस हैं GT प्लस स्पोर्ट्स के अंदर, डोर एक्सेस हैंडल, ये अप डाउन करने के लिए गिलास, पैसेंजर ट्री में हमारे सॉफ्ट टच में है, 8 स्पीकर्स हैं, सिल्वर डोर ओपनर मिलेगा, यहाँ पे 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं, बीच में आर्मरेस्ट है विद 2 कप होल्डर्स, रीडिंग लाइट्स हैं यहाँ पे 2, AC वेंट है, टाइप सी चार्जिंग पॉइंट दिए हुए हैं, पीछे पॉकेट्स मिल जाती हैं सीट में आपको। अब यहाँ जैसे ही हम ड्राइवर डोर ओपन करेंगे तो पूरा ब्लैक बेस इंटीरियर मिलेगा। GT स्पोर्ट में यही है कि ये देखिए रेड स्टिचेस देखने के लिए मिलेंगे, पूरा ब्लैक इंटीरियर है, एम्बियंट लाइटिंग में कितनी प्यारी लग रही है रेड कलर की इंटीरियर में। डोर से स्टार्ट करते हैं, लॉक अनलॉक का बटन, डोर ओपनर, ORBM एडजस्ट यूनिट, चाइल्ड लॉक के लिए ड्राइवर टी में हमारे सॉफ्ट टच में है, नीचे स्पीकर, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट सीट मिलेंगी, ड्राइवर साइड एडजस्ट है इलेक्ट्रिकली, और वेंटिलेटेड भी ये सीट्स हैं, नहीं है यार, नहीं वेंटिलेटेड सीट्स हैं, दोनों फ्रंट की वेंटिलेटेड सीट्स मिलेंगी, ड्राइवर को ड्राइवर। उस साइड आपको दिखा देता हूँ इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट है या नहीं है, तो को ड्राइवर साइड भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट मिलेगी, दोनों सीट्स वेंटिलेटेड हैं, दोनों तरफ इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट दी गई है, ठीक है, स्लाइड के लिए, ये रिक्लाइन के लिए, लेदरेट सीट्स हैं वेंटिलेटेड, GT की बैजिंग की हुई है यहाँ पे, ये आप देखोगे एयरबैग, टोटल इसमें हमें 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, यहाँ पे ब्रेक एक्सीलेटर, डेड पैंडल, DSG है ये ऑटोमेटिक, तो ब्रेक एक्सीलेटर और ब्रेक एक्सीलेटर भी अच्छे दिए गए हैं, ये हेडलाइट ऑन ऑफ करने के लिए, ये हेडलाइट हाइट एडजस्ट करने के लिए, AC वेंट, ब्लैक सराउंडिंग, ब्लैक ट्रीटमेंट है, ग्लोसी ब्लैक, यहाँ आपका एम्बियंट लाइटिंग दी गई है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, तो भाई ये तो हो गया आपका एक्सटीरियर, अब इंटीरियर में आ चुके हैं, इंटीरियर में भी अपडेशन देख लो, स्टेयरिंग पे भी रेड स्टिचेस हैं, सीट पे भी रेड स्टिचेस हैं, डोर्स पे भी रेड स्टिचेस गए हैं दिए गए हैं, ऑल ब्लैक कर दिया इंटीरियर, रूफ भी इसका पूरा ब्लैक है, वैसे रेड स्टिचेस दिख रहे हैं और थोड़ा बहुत यहाँ फर्क देख लो सिल्वर वगैरह दिख रहा है, AC वेंट पे बाकी पूरी गाड़ी ब्लैक है। यहाँ सबसे पहले हम स्टीयरिंग देख लेते हैं, लेदर रैप स्टीयरिंग है, डी कट बोलो या फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग दिया हुआ है, 3 स्पोक में, यहाँ सिल्वर और ब्लैक का ट्रीटमेंट है। यहाँ आपको पहले ये दिखा देता हूँ स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, स्टीयरिंग एडजस्टमेंट टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक है, तो भाई ये तो हो गई स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब स्टीयरिंग देख लो, लेदर रैप स्टीयरिंग है रेड स्टिचेस के साथ, यहाँ म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल नहीं है, यहाँ क्रूज कंट्रोल दिए हुए हैं लेफ्ट में, हमें फॉक्सवैगन में यहाँ क्रूज कंट्रोल यूनिट मिलती है लेफ्ट में, बट ये वॉल्यूम कम ज्यादा का यहाँ पे बटन मिल जाता है म्यूजिक सिस्टम का। यहाँ पे आपका म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स दिए हुए हैं, वॉइस कमांड वगैरह के लिए बटन यहाँ दिए हुए हैं, और यहीं पे आपका जो म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स नहीं है, ये मैं गलत बोल गया, यहाँ पे आपका इंस्ट्रूमेंट कंसोल की सेटिंग्स दी हुई है, जो मीटर है उसकी सेटिंग्स यहाँ पे दी हुई है सारी, पेंडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपका मैनुअल वाइपर कंट्रोल्स है, यहाँ पे आपका हेडलाइट हाइट एडजस्ट करने के लिए है, क्योंकि AC बोल रहा हूँ मैं, हेडलाइट ऑन ऑफ की कंट्रोल यहाँ दिए गए हैं ऑटो, और ये तो कुछ नहीं है, बाकी एक बार मीटर ऑन करके दिखा देता हूँ, इंस्ट्रूमेंट कंसोल, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन इस जगह पे दिया गया, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ऑन होगा, पूरी डिजिटल स्क्रीन है 10.5 इंच की, 10.25 इंच की, यहाँ भी हमें 10.5 इंच की स्क्रीन मिल जाती है, इसके अंदर भी ये, इसके अंदर अभी ये लाइट ऑन करनी होंगी शायद जब ही ये जाएगा, ये लाइट्स ऑन हो चुकी हैं, यहाँ पे बीच में स्पीड मीटर आ रहा है आपका, यहाँ इंजन गेज है, इस साइड पे इंजन टेम्परेचर गेज, लेफ्ट में राइट में फ्यूल गेज दिया हुआ है, किलोमीटर है, यहाँ पे रेंज है 45 किलोमीटर, ये किलोमीटर यहाँ पे आ रहे, पार्किंग पे है तो P लिखा हुआ, वेदर टेम्परेचर ऊपर टाइम आ रहा है, और इसमें बात करें यहाँ डिस्टेंस वगैरह देख सकते हो आप, साइलेंस अलर्ट वगैरह मिल जाते हैं, इसमें कुछ इस तरह की सेटिंग्स वगैरह मिल जाती है, ऑडियो फोन वगैरह की भी आप यहाँ पे
सेटिंग्स कर सकते हो। ट्यूटर मिल जाते हैं ए पिलर्स में दोनों तरफ, डैशबोर्ड व्यू देख सकते हो, अच्छा बोनट व्यू है, 10.25 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है, 8 स्पीकर के साथ एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले वायरलेस मिल जाता है इसमें, 2 AC वेंट्स हैं, सिल्वर ट्रीटमेंट है, यहाँ पे हजार लाइट का बटन, ये वेंटिलेटेड सीट्स के लिए दोनों बटन दिए हुए हैं, इस तरफ आपका ये आपका आइडल ऑन ऑफ, ये ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट है, एसी के ऑटो कंट्रोल दिए हुए हैं, MID दी हुई है बीच में, टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स है 2, वायरलेस चार्जर है, इंजन स्टार्ट स्टॉप 12 वोल्ट का आउटपुट है, कुछ इस तरह का DSG में आपको गियर लीवर मिलेगा, 2 कप होल्डर है, मैनुअल हैंड ब्रेक है, स्लाइडेबल आर्मरेस्ट है विद स्टोरेज, यहाँ भी रेड स्टिचेस दिए गए, ब्लैक और रेड का काफी ट्रीटमेंट, और यहाँ देखो आप इसके अंदर क्या जस्टिफाई कर पा रहे हो अगर आप, तो ये देखिए क्या प्यारा ट्रीटमेंट दिया हुआ है इसके अंदर डैशबोर्ड के अंदर ब्लैक के साथ, ये देखिए ये आपका कूल्ड ग्लोब बॉक्स स्पेस है, बाकी एम्बियंट लाइटिंग आप यहाँ भी देख पा रहे हो, काफी अच्छी लग रही है, ये चेंज भी हो जाती है, आपको सेटिंग में जाके करनी होगी, ऑटो डिमिंग IRBMs है, यहाँ रीडिंग लाइट्स दी हुई है वाइट 2-2, ये सनरूफ कंट्रोल हो गया, और ये भी पूरा ब्लैक ट्रीटमेंट दिया गया है, सनग्लास होल्डर वगैरह नहीं मिलता, इधर वेंटीमीटर मिल जाता है सन वाइजर में, इस साइड भी आपको टिकट होल्डर है, वेंटीमीटर नहीं है, बाकी ग्रैब हैंडल्स देखो ब्लैक ही दिए गए हैं पूरे, मतलब गाड़ी में ना पूरा ब्लैक एडिशन है, तो इस वजह से ब्लैक पे ज्यादा जोर दिया गया, इंटीरियर वगैरह भी सारी चीजें ब्लैक रखी गई है गाड़ी की। अब चलते हैं एक बार इंजन कैबिनेट की तरफ। अच्छा, ये तो हो चुका पूरा गाड़ी का इंटीरियर एक्सटीरियर, इंजन के बारे में आपको मैं स्पेसिफिकेशन वैसे बता देता हूँ, इसमें 1.5 लीटर का TSI EVO विद ACT पेट्रोल इंजन मिल जाता है हमें, 4 सिलेंडर 4 वाल्व इंजन है ब्लैक एडिशन के अंदर, इसमें हमें पावर प्रोड्यूस करता है पेट्रोल इंजन 148 BHP की, और टॉर्क जनरेट करता है 250 Nm का, 18.61 किलोमीटर पर लीटर की कंपनी माइलेज क्लेम कर रही है, 18.61 किलोमीटर पर लीटर की, फ्रंट व्हील ड्राइव 931 किलोमीटर फुल टैंक पे गाड़ी आपका चल सकती है, वहीं बात करूं 50 लीटर का फ्यूल टैंक है और 385 लीटर का इसमें हमें बूट स्पेस मिल जाता है। तो भाई ये था इंटीरियर एक्सटीरियर और इंजन स्पेसिफिकेशन Volkswagen GT प्लस स्पोर्ट्स का 1.5 लीटर के अंदर। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, गाड़ी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में बताना, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।